आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। कलेक्टर ने किया मतगणना तैयारियों का निरीक्षण। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कर्मवीर शर्मा ने आज 30 नवंबर को पीजे कॉलेज खरगोन में मतगणना की तैयारियों का निरीक्षण किया और मतगणना के लिए अब तक की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक श्री धर्मवीर सिंह, अपर कलेक्टर श्रीमती लक्ष्मी गामड़, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती हेमलता सोलंकी, डिप्टी कलेक्टर श्रीमती स्वाति मिश्रा, एसडीएम श्री भास्कर गाछले, मतगणना कार्य से जुड़े अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर श्री शर्मा ने 6 विधानसभाओं की मतगणना के लिए बनाए गए मतगणना कक्षों में की गई तैयारियों को देखा। जहां सुधार की आवश्यकता थी उसमें सुधार करने के निर्देश दिए। उन्होंने गणना कर्मियों के मतगणना टेबल तक आने के मार्ग और प्रत्याशियों के गणना अभिकर्ताओं के मतगणना टेबल तक आने के मार्ग का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने स्ट्रांग रूम से ईवीएम को लेकर गणना स्थल तक लाने की व्यवस्थाओं को भी देखा। उन्होंने मतगणना के दिन पत्रकारों की सुविधा के लिए बनाए जा रहे मीडिया सेंटर और उसकी व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया। उन्होंने पार्किंग व्यवस्था, गणना कर्मियों के लिए नाश्ते, भोजन की व्यवस्था का भी जायजा लिया। मतगणना के दिन मतगणना टेबल तक ईवीएम व्यवस्थित तरीके से लाई जा सके, इसके लिए रनर के अलग अलग कलर कोड निर्धारित किए, जिससे पहचान हो सके कि किस कलर की टी शर्ट वाले रनर किस विधानसभा क्षेत्र के हैं। गणना कर्मियों, गणना अभिकर्ताओं के प्रवेश के लिए गेट निर्धारित। 3 दिसंबर को मतगणना के दिन मतगणना स्थल पीजी कॉलेज में प्रवेश के लिए मतगणना कर्मियों और प्रत्याशियों के गणना अभिकर्ताओं के लिए अलग अलग गेट निर्धारित किए गए। मतगणना कर्मी मंडी गेट से पीजी कॉलेज में पीछे के ग्राउंड से प्रवेश करेंगे। प्रत्याशी और उन अभिकर्ताओं के प्रवेश के लिए पीजी कॉलेज के मेन गेट से व्यवस्था की गई। विधानसभा क्षेत्र भगवानपुरा, खरगोन और कसरावत के गणना अभिकर्ता और प्रत्याशी पीजी कॉलेज के गेट नंबर 2 से प्रवेश करेंगे, जबकि विधानसभा क्षेत्र महेश्वर, बड़वाहा एवं भीकनगांव के गणना अभिकर्ताओं के प्रवेश की व्यवस्था पीजी कॉलेज के मुख्य गेट नंबर 1 से की गई। गणना कर्मियों के वाहनों की पार्किंग व्यवस्था मंडी प्रांगण में की गई। मीडिया प्रतिनिधियों के लिए पीजी कॉलेज के ऑडिटोरियम हॉल में मीडिया सेंटर बनाया गया। मीडिया प्रतिनिधि पीजी कॉलेज के गेट नंबर 2 से मीडिया सेंटर में प्रवेश कर सकेंगे। मीडिया प्रतिनिधियों के लिए मीडिया सेंटर तक मोबाइल उपयोग की अनुमति रहेगी, लेकिन वे गणना स्थल पर मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे। खरगोन से ब्यूरो रिपोर्ट।